हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज पढ़ेंगे हिंदी, तो हिंदी में आज पढ़ेंगे संज्ञा। तो हिंदी से आपके CGSI में 30 नंबर से यहाँ पे आपके सिलेबस में दिया गया, तो यहाँ से 30 नंबर से आपके हिंदी से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सिलेबस में आप आज हम कवर करेंगे संज्ञा से, आज क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा इसका बेसिक भी पढ़ेंगे, जिससे आपको बेसिक नॉलेज भी मिले, ताकि आपको समझने में आसानी हो। एग्जांपल करेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में बेनिफिट हो। आप बेसिक क्लियर कर लेंगे तो आप जितना भी आप क्वेश्चन करेंगे सब आपसे बनेगा। तो इसलिए आज संज्ञा का क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा बेसिक यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का, जो कि आपके CGSI सिलेबस देखे होंगे तो हिंदी में जो कि सारी दिया गया। तो पढ़ेंगे आज सिलेबस में संज्ञा। तो संज्ञा जिसे इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं, तो यहाँ पे आइए देखते हैं परिभाषा। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या भाव या गुण, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, जिसे नाउन भी कहते हैं। तो यह है आप किसी व्यक्ति, भाव या गुण को जो कि प्रदर्शित करते या उसके बारे में परिचय कराने वाले जो शब्द को, यहाँ पे क्या बोला जाता है? तो संज्ञा इसको कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं संज्ञा आप किससे बने। तो संज्ञा आपके समधन्ज्ञा अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाले शब्द को संज्ञा यहाँ पे जो कि परिभाषित किया गया है। इसके बाद देखते हैं संज्ञा का दूसरा नाम पर्याय है, आपका नाम को भी आपका दूसरा नाम दिया गया संज्ञा। इसके बाद संज्ञा एक विकारी शब्द है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, संज्ञा एक आपका विकारी शब्द है। इसके बाद देखते हैं संज्ञा के रूप में परिवर्तन लिंग, वचन और कारक जो कि परसर्ग कारण होता है, याद रखिएगा ये सब फैक्ट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आते हैं संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के पांच भेद होते हैं। तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे व्यक्ति के विशेष पर जो कि दर्शाता है, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद जातिवाचक या किसी विशेष जाति को प्रदर्शित करता है, उसे जातिवाचक संज्ञा करते हैं। इसके बाद आते हैं भाववाचक या भाव को प्रदर्शित करते हैं, उसको भाववाचक संज्ञा के नाम से हमको जानना जाता है। इसके बाद समूहवाचक या झुंड या किसी विशेष समूह को प्रदर्शित करने वाले जो कि समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, तो इसमें किसी पदार्थ का बोध कराता हो जो कि आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे आपका 2018-16 व्याफम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो संज्ञा के पांच भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इसके बाद भाववाचक संज्ञा और आपका समूहवाचक संज्ञा और लास्ट में द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे जो कि पांच प्रकार के होते हैं संज्ञा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, पहला आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान या विशेष प्राणी का नाम बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जो विशेष जो कि नाम का या प्राणी या विशेष स्थान या विशेष वस्तु या किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, उसे व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति की विशेष जानकारी को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें उदाहरण देखते हैं सचिन, आपका विजयदशमी और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान, गंगा, ब्रह्मपुत्र और आपका हिमालय, वाराणसी, रामचरितमानस, सोमवार, दीपावली, काशी आदि, ये सब आपके व्यक्ति विशेष एग्जाम्पल हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया। आपका सचिन और विजयदशमी आपके व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन, देख सकते हैं। तो आपके विजयदशमी व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन और आपका जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो भी आपके व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल सारे जो कराया जा रहा है आपके एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो विजयदशमी संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि विशेष इसके बारे में बता रहे हैं, विशेष अपनी जाति पे, जो इस व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो कि अनुसार ये सब आ जाएगा। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र जो कि यह अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अगला देखते हैं जातिवाचक संज्ञा या किसी जाति पे विशेष है। तो जातिवाचक संज्ञा जो कुछ संज्ञा किसी जाति समूह का बोध कराती है, वो आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। या किसी जाति विशेष जो कि उसकी जाति के समूह पर आधारित होती है या किसी जातुक समूह का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ये उदाहरण आइए देखते हैं यहाँ पे। तो नदी, पर्वत, लकड़ी, पहाड़, रेगिस्तान, आपका मनुष्य, जनता और आपका मकान और घोड़ा या माह या महीना कहें, आपका कवि या ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जाति का इसमें बोध कराता है, उसको जातिवाचक संज्ञा के रूप में शॉर्टकट में हम समझ सकते हैं। तो आपका रेगिस्तान एग्जाम में आया हो क्वेश्चन, देखते हैं CG व्यापम में
और आपका मनुष्य भी आयोग जनता और आपका ये सब जो कि जातिवाचक संज्ञा स्पेशल जो कि आयोग का क्वेश्चन देख सकते हैं, याद रखिएगा, जो कि ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आया हुआ है। अगला देखते हैं यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। तो किसी गुण दशा स्वभाव कार्य का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो याद रखिए, भाववाचक में आपको किसी गुण दशा स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा हम कहते हैं। तो उदाहरण की लिए मिठास, कड़वाहट, जवानी, अमीरी, गरीबी, चढ़ाई, दासत्व, कृपणता, बचपन या शैशव या मित्रता या अहंकार, ये सब आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो मिठास आपके जो कि CGPSC पूर्ण वर्तमान में जो कि आया हुआ क्वेश्चन है, ये सब आपके मिठास, कड़वाहट, जवानी, अमीरी, गरीबी और चढ़ाई, दासत्व, कृपणता, बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार, ये सब आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद आगे। तो चलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह देखते हो। संज्ञा सर्वनाम या विशेष अव्यय, इसका आपका भाववाचक संज्ञा क्या होगा यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका पुरुष का हो जाएगा पौरुष हो जाएगा, अपना का अपनत्व हो जाएगा, और सुंदर का आपका सुंदरता या सौंदर्य हो जाएगा, और निकट का निकटता हो जाएगा, थकान का आपका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, थकावट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं और उचित का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा आपका औचित्य, मीठा का मिठास हो जाएगा भाववाचक संज्ञा बन के, इसके बाद दास का दासत्व हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, इसके बाद पशु का जो कि पशुता आपका इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, इसके बाद शत्रु का शत्रुता इसका हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद देखते हैं ये भाववाचक संज्ञा प्राय 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। तो आपके 3 प्रकार से शब्द बने होते हैं भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद क्रियाओं से, तो यह काटना से काट, सजाना से सजावट, और संज्ञा से आपका बाल से बालपन, मनुष्य से मनुष्यता, और विशेषण से आपका महा से महिमा, धीरे से धैर्य, आपका ये भाववाचक संज्ञा आपके जो कि 3 प्रकार के बने होते हैं। तो इसका देख सकते हैं क, ख और ग जो कि इसका जो कि ये संज्ञा प्राय 3 प्रकार के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे समूहवाचक, ये चौथा है हमारा। तो समूहवाचक जिस शब्द के एक ही जाति के वस्तुओं का समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ जाति के सब वस्तु के समूह का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं उदाहरण की क्रिकेट में जो कि 11 खिलाड़ी होती है, जबकि यहाँ पे समूह को बताया गया है। तो क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का समूह, और कक्षा में सेना, संघ, गिरोह या दल, गट्टर और झुंड, मेला, ये सब आपके समूहवाचक के उदाहरण हैं जो कि समूह में होते हैं उसे समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं उदाहरण, यहाँ पे व्यक्तिवाचक में आपका जो राहुल द्रविड़ जो कि प्लेयर हैं, जातिवाचक में आपके खिलाड़ी हैं, और समूहवाचक में जो कि यह टीम है। तो समूह में आपके टीम में आपका खिलाड़ी राहुल द्रविड़ प्लेयर हैं। इसके बाद देखते हैं आपका समूह में आपका सौरमंडल में, तो इसका जाति क्या है, ग्रह हो जाएगा, व्यक्तिवाचक का आपका शुक्र, और आपका पृथ्वी जातिवाचक के व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। समूहवाचक में भंडार में जैसे आपका जातिवाचक में पुस्तक, रामायण आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं समूह में आपका गिरोह, कोई भी गिरोह है समूह में, तो उसके जातिवाचक में आपका लुटेरा आ जाएगा, और व्यक्तिवाचक में आपका मानसी हो जाएगा। तो ये सब आपके समूह को जो कि इसमें बताया गया है देख सकते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला देखते हैं द्रव्यवाचक। तो जिस संज्ञा से उस पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी हो, जिसे मान लीजिए सोना, चांदी, ऊन, लकड़ी, ये सब आपके द्रव्यवाचक के उदाहरण हैं। द्रव्यवाचक को हम कहेंगे जो संज्ञा से उस पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी हो, जो कि द्रव्यवाचक जो कि इसका आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं भाववाचक संज्ञाओं के निर्माण या संज्ञा सर्वनाम विशेषण या क्रिया तथा अव्यय द्वारा बने शब्द के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। यहाँ पे देखेंगे तो जातिवाचक संज्ञा आपका पुरुष, तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, पुरुष, पुरुषत्व हो जाएगा। इसके बाद नारी का आपका नारीत्व हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, और आपका जो गुरु होगा उसका गुरुत्व आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, तो सर्वनाम का अपना है, तो इसका भाववाचक संज्ञा अपनत्व हो जाएगा। इसके बाद मम से आपका ममत्व हो जाएगा, आपका निज से निजत्व हो जाएगा।
इसके बाद देखते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, देख सकते हैं। तो आपको विशेषण कोई भी सुंदर है तो इसका भाववाचक संज्ञा आपका सुंदरता या सौंदर्य, जो कि इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद वीर का वीरता या वीरत्व हो जाएगा आपको इसके भाववाचक संज्ञा। आपका विशेषण जैसे धीर है तो इसका आपका धीरता या धैर्य आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं ललित का, तो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा आपका, लालित्य बन जाएगा। लाल का आपका लालिमा बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। इसके बाद देखते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा, तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देख लीजिए, घबराना का घबराहट भाववाचक बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। इसके बाद थकना का जो क्रिया है आपका, तो यह आपका थकान इसका भाववाचक हो जाएगा। चढ़ना तो इसका भाववाचक संज्ञा चढ़ाई हो जाएगा। इसके बाद भटकना, तो यह आपका क्रिया है कार्य, तो इसका भाववाचक संज्ञा आपका भटकाव हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। इसके बाद अव्यय से भाववाचक संज्ञा, अव्यय से भाववाचक संज्ञा, तो यहाँ पे अब कोई दूर है ये आपका अव्यय है, तो इसका भाववाचक क्या हो जाएगा आपका दूरी हो जाएगा। निकट ये आपका अव्यय है, तो इसका भाववाचक संज्ञा रूपांतरित होकर आपका निकटता हो जाएगा। इसके बाद नीचे से आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा नीचाई। इसके बाद आपका अव्यय समीप है, तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या बन जाए आपका समीपता बन जाए। तो ये शॉर्टकट में हम संज्ञा को यहाँ पे पढ़ें, देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल, इसको बार बार रिपीट करिए ताकि आपको समझ सकें, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन कराया जाएगा संज्ञा से। यहाँ पे देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा भी गया है व्यापम में, देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, जितने भी यहाँ पे जो कि बताया गया है सारे आपके एग्जाम पे बेस पे, जो कि शॉर्टकट में जो कि तैयार किया गया है, जो कि आपके एग्जाम पे बेनिफिट हो यहाँ से। इसलिए थ्योरी अगर समझे रहेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप फटाक से बना लेंगे, तो इसको थ्योरी समझना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इसको जो कि संज्ञा को लेके आया है। इसे बात करेंगे हम संधि पे, तो संधि का नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। तो ये संज्ञा को पढ़िए, यहाँ पर क्वेश्चन करिए, तब जाके आपको जो कि क्वेश्चन बनने लगेगा और आप एग्जाम में अच्छा नंबर यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो आज का क्लास कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। थैंक यू।